सुजानपुर के नगर कौंसिल के अधीन आते शमशान घाट कलियारी में पिछले 28 वर्ष से सेवा कर रहे बाबा कन्हैया राम पिछले 7 महीनों से नगर कौंसिल से वेतन न मिलने के कारण परेशान चल रहे हैं। टुडे हेडलाइन चैनल के माध्यम से नगर कौंसिल से मांग की है कि जल्द उनका बनता वेतन दिया जाए ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। जब इस संबंध में कौंसिल ईओ विजय सागर मेहता से फोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। घाट सुजानपुर कलियारी मड़िया, साथ में नाम है, घर का नाम कन्हैया राम। क्या परेशानी आ रही है? तनख्वाह नहीं दे रहे हैं 7 महीने से। जब भी कमेटी में जाता हूँ तो कोई मिलता ही नहीं है। जब 10 महीना हो जाएगा तो कहूँगा कि नाम ही कट गया है, कहते हैं। तो इसलिए तनख्वाह मेरा पहले देता, 10 महीना होने से पहले दीजिए तनख्वाह। जब जाता हूँ तो मिलते नहीं हैं। पहले का तनख्वाह देते थे, अब 10 महीने से ज़्यादा होगा तो कहेंगे कि नाम ही कट गया है। कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? 3000। तो आपका पालन पोषण बच्चों का कैसे करते हो फिर आप? काम भी करते हैं ना बच्चे, ठीक है, हाँ तब चलता है, नहीं तो तनख्वाह का भरोसा तो सारे बच्चे भूखे रह जाएंगे। अब कितने दिन से सेवा कर रहे हैं आप? सेवा यहाँ करते हुए 27-28 साल हो गया। तो कमेटी वाले क्या कहते हैं, कभी मिले हो आप प्रधान जी से या ईओ से, किसी से मिले हो आप? यहाँ हमारे लिए कोई प्रधान नहीं है, जो प्रधान आते हैं ऐसे ही करते हैं, कहते हैं हो जाएगा, करते कुछ नहीं है। तो मड़िया का प्रधान खुद मैं आप ही हूँ, अपने आप चलाता हूँ, कोई मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं देख रहा हूँ यहाँ का रीति रिवाज कोई नहीं है। क्या मांग करते हो आप, क्या चाहते हैं? तनख्वाह मुझे चाहिए और कुछ नहीं, तनख्वाह सिर्फ चाहिए मुझे, तनख्वाह मेरा मुझे दे दें कमेटी वाले और कुछ नहीं। आपको बाय हैंड देते हैं पैसे या अकाउंट में आते हैं आपके? अकाउंट में एक महीना आया, बाकी वो नगद देते थे, लेकिन अब एक महीना से वो भी नहीं आया, अकाउंट में भी नहीं आया। अकाउंट नंबर भी दे दिया उनको, दिए हुए 10 महीना हो गया। अरे 10 महीना नहीं, 10 दिन हुआ दिए हुए। अच्छा जी, अकाउंट नंबर दिए हुए 10 दिन हो गया आज, तो ये भी इसका भी जवाब नहीं आया अभी, तो अब तंग होकर अब बंद कर दिया हूँ, जब देंगे तभी करूँगा। 7 साल हो गया मेरे को झाड़ू लगा के शमशान घाट का, सभी कूड़ा काड़ा ये कपड़े कुपड़े मेरे को बेचते, नाली भी निकालना पड़ता है, हाथ से नाली भी निकालना पड़ती है, तनख्वाह नहीं देते, इसलिए मैं दुखी होके मैं छोड़ देता हूँ। झाड़ू लगाना है, सिर पर ला के भेगना है, हाथे से नाली साफ करना, कोई झाड़ू नहीं देने वाला, ये कूचड़ा कचड़ा सारी फेंकना शमशान घाट का, कितना जनानी बर्दाश्त करेगी? कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं, मैं भांग कुट कुट के लिए आते लगाता हूँ। इसलिए साहब मैं आप लोग का हाथ जोड़ता हूँ कि मेरा तनख्वाह मिल जाए, फिर मैं सफाई करूँगा। विक्टोरिया स्टेट पठानकोट में खुल गया है डिस्काउंट वेयर हाउस शोरूम, जहां पर आपको मिलेंगे ब्रांड शूज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, होम एंड किचन अप्लायंसेस, वो भी 50% डिस्काउंट पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कम टू डिस्काउंट वेयर हाउस, बेस्ट प्राइस एनीवेयर, डिफेंस रोड विक्टोरिया स्टेट पठानकोट।